नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। अपनी मां के बुलाने के बाद तेज प्रताप तो नहीं आए, लेकिन मौसी के बुलावे पर तेज प्रताप पटना पहुंच गए और उनके कार्यक्रम में भी शामिल हुए। दरअसल तेज प्रताप की मौसी का बेटा यानी तेज प्रताप के मौसेरे भाई की बीती रात शादी थी। उस शादी समारोह में तेज प्रताप के मौसी जो राबड़ी देवी की बहन है, उसने तेज प्रताप को आमंत्रित किया था। तेज प्रताप वहां शादी समारोह में शिरकत किए, वर वधु को आशीर्वाद दिया और मौसी से ढेर सारी बातें भी की। लेकिन वहीं पर मौजूद अपने परिवार के सदस्यों से तेज प्रताप ने पूरी तरह से दूरी बनाए रखी। तेज प्रताप ने राबड़ी देवी से भी बात नहीं की, अपने भाई तेजस्वी से भी बात नहीं की एवं अन्य जो सगे संबंधी थे, जो घर के नजदीकी थे, उनसे भी बात नहीं की। लेकिन वही वहां मौजूद अपने मौसी के रिश्तेदारों से, मौसी के परिवार वालों से ढेर सारी बातें की। इससे तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर तेज प्रताप अपने परिवार से, अपनी मां से इतने दूर क्यों हैं। दरअसल राबड़ी देवी ने पहले भी कई दफे तेज प्रताप से बात करने की कोशिश की थी, मिलने की कोशिश की थी, लेकिन तेज प्रताप राबड़ी देवी का फोन तक नहीं उठाते, तो मिलने की बात तो दूर। तेज प्रताप लंबे समय से राबड़ी देवी से बात नहीं कर रहे थे। राबड़ी देवी ने दिल्ली जाकर के भी मुलाकात का प्रयास किया कि तेज प्रताप से मुलाकात हो जाए, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने दूरी बना रखी थी। राबड़ी देवी से भी बात नहीं करना चाहते थे, लालू यादव से बात नहीं करना चाहते थे, हालांकि लालू यादव तो अभी जेल में बंद हैं, फिर भी उनसे भी दूरी बना लिया था। इस दौरान कई तरह की चर्चाएं चल रही थी कि वो घर नहीं आ रहे हैं, हालांकि घर नहीं आने के बारे में आज उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे अभी भी अपने घर में नहीं जाएंगे। 10 नंबर जो सरकारी आवास है उस घर में नहीं जाएंगे, अभी भी वे परिवार से दूरी है। लेकिन रात में जिस तरह से अपने पारिवारिक कार्यक्रम, जो रिश्तेदार मौसी का कार्यक्रम था, शादी का समारोह, उसमें जिस तरह से मौसी से अपनापन दिखा और अपनी माँ से जो दुराव दिखा, वो स्पष्ट तौर पर न्यूज फॉर्मेशन के कैमरे में कैद भी हुआ। किस तरह से राबड़ी देवी तेज प्रताप को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप मानने को तैयार नहीं है, तो निश्चित तौर पर जो परिवार के बीच तेज प्रताप की दूरी है वो स्पष्ट तौर पर दिख भी रही है। हालांकि मौसी से अपनापन जो है साफ तौर पर झलका भी है।